थाना क्षेत्र में एक नाबालिग की हत्या मामले में पुलिस ने दो नाबालिग को हिरासत में लिया। देर रात पलंगा पहाड़ी के समीप झाड़ियों से शत विशत लाश बरामद हुई थी। देवघर एसपी ने खुलासा करते हुए कहा कि कई बिंदुओं पर अनुसंधान जारी है। फिलहाल इस मामले में दो नाबालिग को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं घटना के समय मौजूद नाबालिग के छात्र भी पुलिस की गिरफ्त में हैं। देवघर एसपी धनंजय कुमार सिंह ने कहा कि मृतक और आरोपी दोनों आपस में मित्र थे और इस हत्या के पीछे कई कारण सामने आ रहे हैं, जिसका खुलासा किया जाएगा। फिलहाल जसरी थाना पुलिस के द्वारा घटनास्थल पहाड़ी की झाड़ियों और आसपास के क्षेत्र और तालाबों में मर्डर से में इस्तेमाल किए गए हथियार को ढूंढने की कोशिश चल रही है। प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और हत्या करने वाले और जो मृत हैं वो आपस में मित्र थे। शव बरामद किया गया, जो गिरफ्तार हुआ उसके निशानदेही में शव बरामद किया, उसके बाद विशेष कार्रवाई नहीं कर रहा। क्यों हत्या की गई थी सर? हत्या का कारण अभी हम लोग बता नहीं सकते। हत्या का कारण हम लोग करीब करीब जान चुके हैं, लेकिन ये चीजें हैं अल्पय हत्या से संबंधित है। इसके साथ हत्या में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। हुई है जिसके बाद दो नाबालिग को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, क्या है पूरी खबर? चलिए हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और अपडेट लेंगे। तो आपको बता दें कि देवघर में दो नाबालिग को हिरासत में लिया गया है, लेकिन जानकारी आपको दे दें कि नाबालिग की हत्या हुई है, जिसके बाद पुलिस ने दो नाबालिग को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है और हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार भी बरामद किए गए हैं। तो देवघर में नाबालिग की हत्या हुई है, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। दो नाबालिग को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। तो देवघर में नाबालिग की हत्या के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, साथ ही दो नाबालिग को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।